मित्रों, हम लोग बहुत ही पुण्य तिथि के उपलक्ष में आज संवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि देवेंद्र जी ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 11 सितंबर के उपलक्ष में संत बाबा विनोबा जी की याद में सहसंवाद की स्थिति एक पैदा की। मैं सहसंवाद शब्द इसलिए भी इस्तेमाल कर रही हूं कि एक बातचीत जो हृदय के साथ चलती है, मुझे सुनते हुए जो आपके भीतर एक संवाद पैदा होगा निरंतर, जो एक अपनी तरह का आत्मज्ञान आपके भीतर पैदा करेगा, और विनोबा जी की सोच और समझ के संदर्भ में कौन सी आज की स्थितियां हैं कि एक समय था जब भूदान आंदोलन के दौरान गांव के गांव उनके पीछे चल पड़ते थे, भीड़ एकत्रित हो जाती थी उनके दर्शन के लिए। मेरे पिताजी राजेंद्र कुमार अवस्थी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार अवस्थी, उनके भूदान आंदोलन में उनके सहयात्री थे और फोटोग्राफर थे। तो जब बीच में अवकाश मिलता था और वो घर आते थे तो मैं उन तस्वीरों को देखती थी। बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनती थी लोगों को देने के लिए, जिसमें भी मेरे पिताजी का योगदान रहा। उसी क्रम में रामजी बाबू के भी दर्शन हुए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज जबकि उस ग्राम स्वराज की, उस भावना की, उस समर्पण की, ग्रामीण शक्तियों को समझने की, ग्रामीण शक्तियों को अपनाने की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बावजूद ये उपेक्षा का वातावरण क्यों बना हुआ है? बाबा ने पुस्तक लिखी शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षण के लिए। आज जिस तरह से शैक्षिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हमारे पास संतों, मनीषियों, चिंतकों, विचारकों की पूरी एक विरासत है, की पूरी एक परंपरा है। उनके ग्रंथ सिर्फ पुस्तकालयों में पड़े हुए हैं। पुस्तकालय में रखी हुई वो किताबें हाथ के स्पर्श के लिए तरस रही हैं। उन पृष्ठों की भीतर की पंक्तियां कहा जाए कि पाठकों की आंखों के लिए तरस रही हैं। जबकि हम निरंतर सभ्य और सुसंस्कृत होते जा रहे हैं, लगातार विश्व के परिदृश्य में हम अपने को शीर्ष पर देखना चाहते हैं, लेकिन जब तक वैचारिक अस्मिता से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, तब तक क्या हम विश्व के शीर्ष पर, क्या कहा जाए, विश्व के पटल पर भी नहीं दिखाई देंगे। विनोबा जी की जन्मतिथि के अवसर पर बाबा को पुनः याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं लोगों से, मेरी प्रार्थना है कि मेरी ही तरह, जिस तरह से उन्होंने इतनी बातें कही हम लोगों को अपने आत्मानुशासन के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, और जितना अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए उसी के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि अपनों की भी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जिस तरह से फुटबॉल का खिलाड़ी वो फुटबॉल के मैदान में चेहरे से अपने लोगों को नहीं पहचानता है, अपनी टीम को नहीं पहचानता है, वो पांव में पड़े हुए मोजे से पहचानता है कि हमारी टीम का कौन सा खिलाड़ी का पांव हम इस बॉल के पास है और कहां हम भेजें। सिर्फ फुटबॉल से खेलने वाले वो पांव देखे जाते हैं। उसी तरह से अपने देश की अस्मिता जो स्वराज से संभव है, उस स्वराज के लिए कौन से लोग हैं जो हमारी अपनी क्षमताओं के लोग हैं, जो हमारी अपनी क्षमताओं के संवर्धन में सहायक हो सकते हैं, जिसमें गांव की और ग्रामीण शक्तियों की, हस्त उद्योगों की और जैविक खेती की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से इनको हम अपनी शक्ति बनाएं, और जब आम आदमी की शक्ति व्यवस्था के द्वारा ये आग
आम आदमी शक्ति का कारण बनेगा तो मुझे लगता है कि स्वराज की स्थापना में देर नहीं लगेगी। बाबा के सपनों की कल्पना को साकार करने में विलंब नहीं होगा। और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ये महान विभूतियां देह से विदेह हुई हैं, लेकिन उनकी शुभाकांक्षाएं, उनकी आत्मा, उनकी चेतना इर्द गिर्द हमारे रहती है। वो हमारा अवलोकन भी करती है, पथ प्रशस्त भी करती है, और जब हमारा व्यवहार उचित नहीं होता है तो मार्गदर्शन भी करती है। लेकिन वो तभी संभव है जब हम सजग हों और जिसे अटैचमेंट कहा जाता है, उस अटैचमेंट के साथ, उस संलग्नता के साथ इन महान विभूतियों से हम संबद्ध रहें। जिस तरह से बाबा विनोबा महात्मा गांधी से संलग्न थे, जुड़े हुए थे, और उन्होंने उन्हें अपना पहला उत्तराधिकारी बनाया, हम सब भी अपने कर्मों के द्वारा विनोबा जी के विचारों के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। और सही अर्थों में देखा जाए तो चिंतक विचारकों द्वारा जो विचार होते हैं, वो विचार ही उनकी संतानें होती हैं, और हम लोगों को उनका उत्तराधिकारी होना होता है। और इसी से सभ्यता और संस्कृति का सुदृढ़ विकास हो पाता है। गीता की उन्होंने जितनी सजल और सरल और सजग व्याख्या की है गीता दर्शन की, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही, कहा जाए कि सुगम है उसका अनुगमन करने के लिए, उसको धारण करने के लिए, और उसका व्यक्तित्वांतरण करने के लिए, जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सके और वो आगे बढ़ सके। विनोबा जी ने जीवन की दिशा में, इसके साथ साथ उनका जीवन अपने आप में उदाहरण है। उनका संघर्ष सबके प्रति, धरती के प्रति, धरती को भी वो व्यक्ति की तरह, मां की तरह देखते थे, और अपनी मां को वो पृथ्वी की तरह देखते थे। तो मां को पृथ्वी की तरह देखना और पृथ्वी को मां की तरह देखना, अगर इस दृष्टि का विकास हो जाए और ये दृष्टि हमारी आदत में शामिल हो जाए, तो पृथ्वी के प्रति जो अत्याचार हो रहा है रासायनिक खादों के द्वारा, युद्ध के प्रक्षेप शास्त्रों के प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न तरह के जो उद्योग पैदा किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश की जा रही हैं, उनके द्वारा, जबकि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मानवता के विकास के लिए युद्ध कहीं महत्व नहीं रखते हैं। संपूर्ण विश्व में जब सारे देश स्वतंत्र हैं, उनके अपनी शासन पद्धति है, ऐसे में विश्व स्तर की राजनीति जिन षड्यंत्रों को करके युद्ध के कगार पर खड़े हो गए हैं सभी देश, या कहा जाए महाद्वीपों के हर कोने से ये षड्यंत्र दिखाई देने लगा है, मनुष्यता के विरुद्ध, मानव जाति के विरुद्ध, जो अब तक इतनी मुश्किलों से जो शक्ति पैदा की, जो सभ्यता और संस्कृति हम लोगों ने विकसित की है, मुझे इतना दुख होता है। इधर पिछले दिनों में जो यूक्रेन में हो रहा है, सभी राष्ट्रों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन इसके बाद वो प्रयास तब तक प्रयास नहीं है जब तक वो सफलता में नहीं बदल सके। कोरोना की मार से अभी पूरा विश्व संभला नहीं था और अभी भी नहीं संभला है, लेकिन दूसरी तरह की खबरों के ऊपर हो जाने के कारण अब वो दिखाई कम दे रहा है। इस भीषण युद्ध की स्थिति में यूक्रेन देश तो संकट में है ही है, उसके समवर्ती जितने देश हैं, यूरोपीय देश और अन्य देशों में विस्थापितों के रूप में
उक्रेन देशवासी निवास कर रहे हैं, यूरोप तो पूरा का पूरा उन लोगों के लिए जो है कैंप सब जगह बने हैं, नीदरलैंड देश में भी जो मैदान खाली मैदान थे, शोभा मूल्य जिनका था, जिनमें गायें नहीं चरती थी, जिनमें भेड़े नहीं चरती हैं, जिनमें बछड़े नहीं चरते हैं, माने जो क्योंकि उन खेतों की उन जमीन की फसल गाय और बछड़े हैं भेड़े हैं। लेकिन जहां कॉलोनियां बनी हुई हैं, जहां लोगों का मनुष्य रह रहे हैं, वहां के बीच में जो पार्क की जगह है वहां उनके रहने की कैंपिंग की व्यवस्था की गई है। इससे पहले सीरिया के, अफगानिस्तान के, दूसरे देशों के बहुत से लोगों को ने यूरोप में अपना आश्रय लिया, शरणागत हुए। ये जो पूरा राजनीतिक स्तर पर विश्व में एक हिंसा का, युद्ध का, आतंक का वातावरण, और ये क्या है, सत्ता के आतंक का, और ये आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र से आए हुए सत्ता में लोग किस तरह से सत्ता के मुखिया हो करके सामंतों की तरह शासन करने लगते हैं, और युद्ध के रूप में वो अपने पूरे देश को, जिस लोकतंत्र में, जिस वोट से वो आए हैं, उसमें वो पूरे युद्ध के उसमें अपने देश की जनता को और दूसरे देश के लोगों को उसमें झोंक देते हैं। ऐसे में गांधी जी की अहिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये इस शब्द की सबसे बड़ी सार्थकता ये कि हिंसा के गर्भ से पैदा हुआ ये शब्द है अहिंसा। इसके प्रचार प्रसार के लिए और इसको अपनी आदत में शुमार करने के लिए सिर्फ हथियारों से ही हिंसा नहीं होती है, शब्दों से भी हिंसा होती है। आज के उपभोक्तावादी समाज में जहां भोग और धन ही चरम पर है, जहां सुख सुविधाएं ही लोगों के जीवन का मूल लक्ष्य हैं, जहां व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं उसके वैभव से की जाती है, जहां मूल्यों का इस रूप में पतन हो रहा हो, ऐसे में बाबा विनोबा के ज्ञान और विचार, जिसको कि वो कहते थे आत्मज्ञान, क्योंकि उनका कहना था कि शिक्षक जो हैं सच्चिदानंद बने, उनके पास आत्मज्ञान, विज्ञान और साहित्य की गहरी समझ हो, संपूर्ण विश्व में इतने विश्वविद्यालय हैं, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विषयों के अतिसंख्य विज्ञान के, कला के, साहित्य के, संस्कृति के, इसके बावजूद सभ्यता और संस्कृति हिंसा के चंगुल में फंसी हुई है। इसके बावजूद मनुष्यता अविश्वास के उसमें पड़ गई है, मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास नहीं रहा। मुझे आश्चर्य होता है और दुख भी, जब कहीं एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं उस कुत्ते की रक्षा के लिए, कहीं एक चिड़िया चिचियाती है तो उधर की सारी चिड़िया आके एकत्रित हो जाती है उसकी रक्षा के लिए। इस भोगवादी समाज में, माने मनुष्य से कुत्ता अपने समुदाय को बचाने के लिए लड़ पड़ता है, पक्षी जगत इसके लिए व्याकुल हो उठता है, लेकिन मनुष्य की रक्षा अब मनुष्य के हाथ में संदिग्ध हो गई है। ये सभ्यता और संस्कृति जो निर्मित हुई है ये छलावी की है। प्रेम और विश्वास शब्द जो हैं वो हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं छल और प्रपंच की हिंसा के लिए।
जब लोगों को छल और प्रपंच में फांसना होता है तो वो छल और प्रपंच का जो आवरण है वो प्रेम और विश्वास में बनकर व्यक्ति के सामने आता है। ये आज की सभ्यता है, ये आज का मानवीय आचरण है। ये बहुत ही गंभीरता से विचारणीय विषय है कि पहले के समय में जब शिक्षा दी जाती थी तो उस शिक्षा के साथ साथ मानवीय मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती थी, संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षकों के उसूल इतने उत्कृष्ट कोटि के थे, होते थे। और ये बहुत दूर की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब मैं शिक्षा ले रही थी तब मुझे जिन लोगों ने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मैंने पढ़ाई की, जे कृष्णमूर्ति को सुनते हुए हम बड़े हुए, वहीं बगल में सर्वोदय है राजघाट काशी में, सर्वोदय में बाबा विनोबा के मुझे दर्शन हुए, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी के मुझे दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई, विनोबा जी से बातचीत हुई, प्रभावती जी के संपर्क में हम रहे, उनसे बातचीत हुई, इन महान विभूतियों के व्यक्तित्व की परछाई मुझ पर पड़ी है। और कई कई बार लंबे लंबे संवाद हुए और कई वर्षों तक संपूर्ण क्रांति का जो प्रबोधन था उसको मैंने देखा। जब सर्वोदय में रामचंद्र राही जी थे, साधक जी थे, तो उस समय सर्वोदय में मेरे पिताजी थे गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज में। इस क्रम में वहां जो सर्वोदय का प्रकाशन विभाग है, उस प्रकाशन विभाग में मैं वहां नई किताबें जो छपती थी उनको मैं पढ़ती थी और बड़ा अच्छा लगता था। मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में पढ़ते हुए जब खाली समय होता था, खाली पीरियड्स होते थे, तो मैं वो सर्वोदय प्रकाशन आ जाती थी और वहां मैं नई किताबों को वहीं बैठकर पढ़ लेती थी। फिर जब मेरी थोड़ी समझ विकसित हो गई, मैं बीए में पहुंच गई, तो मैंने वहां निवेदन किया रामचंद्र राही जी से कि मैं यहाँ पे प्रूफ देखने का काम, जो किताबें की पांडुलिपियां हैं जब टाइप हो जाती हैं तो प्रूफ देखने का मैं काम करूंगी। इस तरह से किताब छपने से पहले किताब को पढ़ने की उत्सुकता मेरे भीतर थी। जयप्रकाश जी के सर्वोदय में और गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज में आने पर और वरुणा की शांत कछार में उधर अतिथि गृह आवास बना था जहां वो रुकते थे, और तो बहुत से महत्वपूर्ण लोग भी आते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। उसी क्रम में जैनेन्द्र जी से मेरी मुलाकात वहीं हुई, वो मिलने के लिए जयप्रकाश जी से आए हुए थे। तो उस समय के जो साहित्यकार थे, मैंने आचार्य कुल के अंक देखे पुराने, उन अंकों में सुमितानंदन पंत जी के, महादेवी वर्मा जी के, इन लोगों के आलेख हैं, और इन लोग के मन में विनोबा जी के प्रति जो लगाव था, उनके दर्शन के प्रति, उनकी दृष्टि के प्रति, उनके उनके सन्यासी जीवन के प्रति, लोग गांधी जी के व्यक्तित्व को देख करके आश्चर्य करते थे, लेकिन विनोबा जी को साक्षात लोगों ने जिस रूप में देखा उससे उन लोगों को लगा कि भारतवर्ष की धरती में एक ऋषि परंपरा अभी भी चल रही है और सक्रिय है। उसी ऋषि परंपरा का परिणाम है कि भारतवर्ष की धरती की जो विभूति है वो उसमें अभी वो विरासत बची हुई है, जो विरासत 7,000 साल पहले से बनती चली आई है, उसके गुणसूत्र हैं। यद्यपि आक्रमणकारियों के कारण, मुगलों और ब्रिटिश के शासन के वजह से ये अवस्था अवश्य रही कि अब भारतीयों का चरित्र अपने को बचाने के, सेल्फ रेजिस्टेंस के की कोशिश में व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है, लोगों के आचरण में परिवर्तन आया है, लोगों के गुणसूत्र ट्रांसमिट हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। जैसे रोग से व्यक्ति संक्रमित होता है, वैसे ही गुलामी के संक्रमण के बाद जो स्वयं को बचाने का जो
वो क्लेश होता है और उसके बाद जो सेल्फ प्रोटेक्शन का संघर्ष होता है, उस प्रक्रिया से भारतवर्ष की भारतीय जनता, हिंदुस्तानी जनता लगभग 100 सालों से उसका सामना कर रही है, उसका ये दुष्परिणाम है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, अपने देश की स्वदेश की जो संस्कृति की जो शिक्षा है, हमारे स्वदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें इतनी संजीवनी शक्ति है कि हमें उस गुलामी के संक्रमण के उस रोग से अब तक मुक्त हो जाना चाहिए था। और अगर बल्कि स्थिति यह हो गई है कि उस रोग से मुक्त होने की जगह हम और तरह के आधुनिक संक्रमणों से युक्त हो गए। वैश्विक जो दूसरे भोगवाद के जो पश्चिमी जीवन शैली का जो प्रभाव है, उस प्रभाव किसका संक्रमण हुआ है, उन रोगों से अलग से प्रभावित हो गए। हम लोग के पास जो गीता का ज्ञान है, बाकी जो विरासत है, वेद है, ऋषि मुनियों की जो पूरी परंपरा है, जैविक जीवन शैली का जो पूरा स्वरूप है, अपनी मातृभूमि से, अपने परिवार से, अपने गांव से लगाव रखने, अपनी भाषा से, विनोबा जी ने भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण बातें कही, और लिपि के संदर्भ में उन्हें बहुत महत्व दिया, क्योंकि भारतवर्ष से बाहर जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसमें से लोग उसे पश्चिमी देशों में, कैरेबियाई देशों में, लैटिन अमेरिकन देशों में, इवन नीदरलैंड में भी जो हिंदी सरनामी लिखी जाती है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जबकि विनोबा जी ने लिपि के संदर्भ में बहुत पहले जो है देवनागरी लिपि के महत्व को बताया था। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का निर्माण, का सृजन वर्धा में किया। तो एक तरफ तो सेवाग्राम आश्रम है, दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, और उसी के गर्भ से विश्व हिंदी सम्मेलन का और महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। लेकिन क्या जब देश पराधीन था, उस पराधीन देश के समय सेवाग्राम आश्रम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिस तरह से सक्रिय थी, क्या अब वो उसी तरह से काम कर पा रही है? जबकि अब अधिक अनुभवी लोग हैं, अब देश स्वाधीन है, सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता मिलती है, इसके बावजूद अगर उस रूप में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण भारत में प्रचार समिति है, गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलनों का निर्माण किया, नागरी प्रचारणी सभा का निर्माण हुआ, भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में, जबकि स्वतंत्रता के, पराधीनता के संघर्ष के समय इन जगहों पर राष्ट्रभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर महत्वपूर्ण आयोजन होते थे, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और उस समय के महत्वपूर्ण जो चिंतक विचारक, हिंदी के मनीषी थे, वो सभी लोग पहुंचते थे। उसी काल में हमारे देश में दो दो राष्ट्रकवि हुए, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त दद्दा ने अपनी पांडुलिपि साकेत महात्मा गांधी जी को देखने के लिए दी। ये एक समर्पण और आपसी लेन देन और आत्मीयता का भाव था राजनीति, साहित्य और समाज के बीच में। और ये एका गांधी जी ने बनाया, उसके बाद इस राष्ट्रीय एका को विनोबा जी ने स्थापित किया, विभिन्न संस्थाएं स्थापित की। उन संस्थाओं को स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही था, जबकि विद्यालय हैं, शिक्षा अपने रूप में चल रही है, इसके बावजूद
विनोबा जी को और गांधी जी को यह महसूस हुआ था उस समय कि शिक्षण संस्थाओं को भी संचालित करने के लिए, दिशा देने के लिए इस तरह की हिंदी भाषा और साहित्य की संस्थाएं होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर विवेकानंद जी के नाम से संस्थाएं बनी हुई हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से संस्थाएं बनी हुई हैं, ब्रह्म कुमारी इसके नाम पे संस्थाएं बनी हुई हैं, इसी तरह से संत ज्ञानेश्वर जी के नाम से संस्थाएं बनी हुई हैं, तुकाराम जी के नाम से संस्थाएं बनी हुई हैं, हर प्रदेश में जो संत हुए हैं, जो चिंतक हुए हैं, उनकी परंपरा चल रही है संस्थाओं के रूप में, संगठनकर्ताओं के रूप में, समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए, शिक्षण संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को मार्ग निर्देशन देने के लिए, उनके आत्मज्ञान को प्रबोधित करने के लिए। जब मैं विद्यार्थी थी तो इन संस्थाओं से, सर्वोदय से, रामकृष्ण परमहंस और ब्रह्म कुमारी, इन संस्थाओं से निमंत्रण पत्र शिक्षण संस्थाओं में भेजे जाते थे, निबंध प्रतियोगिताओं के, भाषण प्रतियोगिताओं के, और उसका अभ्यास उस समय के शिक्षक करवाते थे कि किस रूप में इसे चलाया जाए। इस तरह से कहा जाए कि शिक्षकों को, शिक्षण संस्थाओं को इस तरह के चिंतकों और विचारकों के द्वारा जो संस्थाएं बनी, वो संस्थाओं ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित बनाए रखने के लिए, उन संस्थाओं को समाज में एक शक्ति के रूप में, एक जागरण शक्ति के रूप में स्थापित बनाए रखा। ऐसे में जब हमारे देश में विभिन्न, और ये बहुत सौभाग्य है भारतवर्ष का, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी चिंतक और मनीषी का दिवस ना हो, उसकी जयंती ना हो, और उनके प्रवचनों के कुछ अंशों के सुभाषित लोग आपस में व्हाट्सएप और फेसबुक पर उनका विनिमय न करते हों। जब ये सारी स्थितियां जागृत अवस्था में हैं और गतिशील हैं, सक्रिय हैं, तो फिर उसके परिणाम जो पक्ष में होने चाहिए थे वो उस प्रतिशत में क्यों नहीं है? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे इन विचारकों के, जिन्होंने अपना जीवन साधना में लगा दिया समाज को सुव्यवस्थित करने में, बड़े ही आग्रह और लगन के साथ, और ऐसा नहीं उनके जाने के बाद, विनोबा जी के जाने के बाद वो विदेह हुए हैं, देह से हैं, जैसा मैंने कहा, वो अवलोकन कर रहे हैं हम लोगों का। उस समय जो इतनी एक भीड़ थी उनके साथ, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनकी पीढ़ियां हम क्यों नहीं बना पाए? पाठ्यक्रमों में वो समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम हो, राजनीति का हो, दर्शन का हो, उनमें विनोबा जी, गांधी जी और भी चिंतक मनीषियों के नाम है, क्यों नहीं उन्हें ऐसे पढ़ाया जाए शिक्षकों के द्वारा कि उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, और इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेश के लिए जो स्वप्न देखे उनको साकार करने के रास्ते हम लोगों को दिखाई दें, उस ओर हम उन्मुख कर सकें। तकनीक की और इंटरनेट की सुविधा के द्वारा तो जिस तरह से बाकी प्रचार पहुंचाए जाते हैं पूरे विश्व में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्यों लोग मोबाइल से अटके रहते हैं, गहरी रात गए जबकि उन्हें सोना होता है,
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेट में वो लगे रहते हैं अपने माँ बाप से संवाद करने की जगह? अपने माँ बाप और पड़ोसी के परेशानी में होने पर उसकी जगह वो मोबाइल से उन चीजों में क्यों लगे रहते हैं जो उनको वासना की ओर उन्मुख करती है? क्यों नहीं उसी व्हाट्सएप से, उसी मोबाइल से और उसी इंटरनेट से वो ऐसी ज्ञान की चीजें क्यों नहीं लेते हैं जिससे कि उनके जीवन का भी शुद्धिकरण होगा, उद्धार होगा? और जब उनके जीवन का, व्यक्ति के अपने जीवन का शुद्धिकरण उद्धार होता है, तब उस शुद्धिकरण में बने हुए व्यक्तित्व का अपने ऐसे प्रकाश होता है, अपना ऐसा एक प्रभाव होता है कि समाज पर भी उसका असर होता है। वृक्ष तो छाया देता ही है, मनुष्य तो वृक्ष से बड़ा है, उसे तो इतनी सीख लेनी चाहिए कि वो लोगों के लिए छाया का, फल देने का इतना, इतनी शक्तियां, इतने ज्ञान, ज्ञानेंद्रियां ईश्वर ने उसको भेंट की है, उन ज्ञानेंद्रियों से जो फल अर्जित होते हैं। बाबा विनोबा को अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो फल अर्जित हुए, जो ज्ञान गंगा उनके चेतना में प्रवाहित हुई, उस ज्ञान गंगा का जो जल है विचारों के रूप में, वो उनकी लिखी पुस्तकों में अभी भी है। उस धारा को हमें देखना है, उस गंगा जली को लेना है और आगे बढ़ना है। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब समय आ गया है कि हम लोगों को अंग्रेजियत को भारत से छुड़ाना होगा। जब तक अंग्रेजियत भारत से नहीं छूटेगी, तब तक संत विनोबा जी जैसे चिंतकों के विचार स्वराज की स्थापना में उपयोग में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कठिन समय आ गया है कि अब इसी में रास्ता दिखता है। बाबा विनोबा ने कहा था कि शिक्षा से ही क्रांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों का झंडा इस देश में एक दिन नहीं चल सकेगा। उसके दूसरे दिन 1947 16 अगस्त से अपने देश का झंडा चला, लेकिन स्वाधीनता के 75 वर्ष होने पर ध्वजा तो हमारे स्वदेश की रही, लेकिन आचरण अंग्रेजियत का ही रहा। कितना अधिक किस तरह से हम दिख सकें कि हम विदेशी हैं। अभी भी विदेश से कोई आ जाता है, विदेशी होता उसके प्रति जिस लोभी आंख से लोग देखने लगते हैं, जैसे वो कोई बड़ी विभूति हो, जबकि हिकारत से देखना चाहिए कि उफ, ये वही लोग जिन्होंने हमारे पुरखों को गुलाम बनाया और इतनी यातनाएं दी। अंग्रेजों ने जब देश को पराधीन रखा, उफ, तो जो सताया है उसके अगर किस्से सुने तो सच में अंग्रेजों पर थूकने का मन करेगा। और बहुत गर्व होगा कि आज हम आजाद हैं, आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। लेकिन जब तक अंग्रेजी भाषा से लगाव रखें, लेकिन इसलिए कि उस भाषा को समझना है, उस भाषा के द्वारा संप्रेषण करना है, लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजी आचरण का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। मैं इस समय नीदरलैंड में हूं और दूसरे देशों में मैं जाती हूं तो हर देश की अपनी भाषा है, और आश्चर्य होगा कि लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी विश्व की भाषा, लेकिन अंग्रेजी का सबसे अधिक प्रचार पूरे विश्व में भारतीयों ने किया है, अंग्रेजों ने नहीं।
यूरोप में अंग्रेजी भाषा कहीं भी आप बोलेंगे कोई भी काम आपका नहीं होगा, सुनने को तैयार नहीं, वो हाथ उठा देते हैं एकदम ना समझने के उसमें। आप फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, कहीं भी वो सुनने को तैयार नहीं, उनकी अपनी भाषा है। दूसरे मैंने दूसरे देशों में चीन और पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों की यात्राएं की और मैंने ये अनुभव किया कि भारतवर्ष में किसी भी देश का विदेशी जब आता है, किसी भी देश का विदेशी, तो भारतवर्ष का हर नागरिक उसे उसकी सुविधा प्रदान करने लगता है, उसके अनुसार हर भारतीय ढल जाता है, उसको रहने की जगह देना, उसको सुविधाएं देना, सारी चीजें। लेकिन मैंने अपनी यात्राओं में अनुभव किया कि विदेश का कोई भी, किसी भी देश में आप जाएं, कोई भी विदेशी आपके अनुसार ढलने को तैयार नहीं है, आपको सहयोग करने को तैयार नहीं। जिन जगहों पे प्रवासी भारतीय नौकरी कर रहे हैं उनकी अगर आप पीड़ा जाने तो वो अपने संघर्ष पे वहां जी रहे हैं, विदेशी उनकी सहायता नहीं करते। और ये समझ लेना चाहिए भारतीयों को, जिन्होंने, जिस ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना के रखा, उन्हें पराधीन बनाकर रखा, तुलसीदास ने लिखा पराधीन सपने हूं सुख नाही। जो हमारा देश गुलाम था, पराधीन था, तो उस समय हमारे देश के नागरिकों को सपने में भी सुख की अनुभूति नहीं होती थी। ऐसे विदेशी इस समय, आज के समय के विश्व के विदेशी किसी भी अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक की सहायता नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे देश में, नीदरलैंड देश में कई देशों के नागरिक रहते हैं, टर्की टर्की को देख लेगा तो तुर्की तुर्की को देख लेगा तो वो कोई संबंध नहीं है, वो उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को देख लेगा तो उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा, फ्रेंच फ्रेंच को देख लेगा तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उस देश का नागरिक उस देश के नागरिक के लिए नहीं सहायता करेगा। कहने का तात्पर्य यह कि मात्र भूमि का एक डीएनए होता है और मातृभूमि का जो गुणसूत्र डीएनए है वो एक परिवार बनाता है, और उस तरह से दूसरे देशों में रह रहे लोग अपने देश के नागरिक को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं क्योंकि वो उसके देश का नागरिक है। तो मातृभूमि का और मातृभाषा का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने जिस राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा पराधीनता से स्वाधीनता दिलाई, संत विनोबा जी ने कई भाषाओं को जानते हुए भी हिंदी, सहज हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार किया, गीता की व्याख्या की और लेखन किया, नारी को लेकर, शिक्षा जगत को लेकर जो पुस्तकें लिखी, वो उन्होंने वैश्विक जो भारतीय डीएनए है मातृभाषा का, राष्ट्रभाषा का, उसकी नींव उन्होंने तभी रख दी थी जब उन्होंने वो पुस्तकें लिखी, जब देश पराधीन था। महात्मा गांधी जी की जो किताबें हैं, सत्याग्रह वगैरह, देखिए उस समय जो उन्होंने हिंदी लिखी है उसमें मात्राएं जो हैं वो मात्राओं के रूप में नहीं, अक्षर के रूप में लिखी हुई है, क्योंकि गांधी जी 20 साल विदेश में, 19 साल वो विदेश में रहे थे और उनको ये बहुत ही गहराई से समझ में आ चुका था कि मातृभूमि से प्रेम और मातृभूमि की एक मातृभाषा का, राष्ट्रभाषा का होना कितना आवश्यक है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि लोगों दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की है वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो अपनी राष्ट्रभाषा का, राष्ट्र को एक भाषा मिले उस हिंदी को स्थापित करना चाहते थे और उस रूप में जाने जाए। तो देश से अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा
आचरण के स्तर पर हटा देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वही गहरे अर्थों में अपने अपने देश के देश से जुड़ने की एक कोशिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम अंग्रेजियत को विस्थापित नहीं करेंगे, अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन से विस्थापित नहीं करेंगे, जीविका के लिए रखें, अगर आपको ऑफिस में नौकरी में चाहिए तो ठीक, लेकिन आपके जीवन शैली में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत नहीं होनी चाहिए। और जब तक उसे हम विस्थापित नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम भारतीय संस्कृति की विरासत को समझ सकेंगे या भारतीय संस्कृति को अपना सकेंगे, या कहा जाए भारतीय संस्कृति के उस महत्व को समझ सकेंगे जिसने हजारों हजारों साल के मिसाल पूरे विश्व में कायम की है, और जिस भारत के प्रति विश्व आकर्षित हुआ है और उसको विश्वगुरु मानता रहा है। भारत के विश्वगुरु कहने से भारत विश्वगुरु नहीं हो जाएगा। भारत के पास जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, इसके साथ साथ चाहे वो चिकित्सा की हो, आयुर्वेद चिकित्सा आप लीजिए, आत्मज्ञान के वेद और उपनिषद और बाकी जो हमारे पास कहा जाए कि विवेक उत्पन्न करने वाली जो पुस्तकें हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं आकृष्ट किया और विदेशियों को इस भाषा को सीखने के लिए बाध्य किया। मैक्स मुलर अगर इस देश के बारे में लिखते हैं, भारतवर्ष के बारे में लिखते हैं, रोमन रोला अगर भारतवर्ष के बारे में लिखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा पर पूरा सर्वे करके हिंदी भाषा का पहला जो बोली परिवार का वर्गीकरण है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ये जो आकर्षण, जो शक्ति, ये जो कहा जाए कि जिस तरह से दिव्य विभूतियों में वो शक्ति होती है, वैसे ही दिव्य शक्ति की अनुभूति भारतवर्ष की जो संस्कृति में है, जो भाषा में है, उसे इन विदेशी विद्वानों ने अनुभव किया और इसके तहत इन्होंने भाषा सीखी और उस संस्कृति को समझा और उस पर लिखाई की। मैं सारी चीजों को बहुत ही सहज रूप में बताने की इसलिए कि हम लोग सभी एक बहुत ही संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। एक हिंसा का संक्रमण है, आतंक का संक्रमण है, भोगवाद का संक्रमण है। इस पर विजय पाने के लिए जिस कहा जाए कि औषधि की, संजीवनी औषधि की जरूरत है, उस औषधि के रूप में हमारे संत बाबा विनोबा जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, विवेकानंद हैं और जितने भी नाम हैं ऋषियों के, मनीषियों के और समकालीन समय के। देश जब पराधीन था तब इन संतों ने अपनी संस्कृति की उपासना की, और अब जब देश स्वाधीन है और उसके 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तब संस्थाओं के उल्लास, उत्साह, नृत्य और संगीत के आयोजन तो हो जाते हैं और सोचते हैं कि संस्थाओं ने अपना दायित्व निर्वाह कर लिया, लेकिन जब तक इन महान विचारकों के विचारों को समाज में हम अंकुरित नहीं कर देंगे, समाज में उनका पदार्पण नहीं करा देंगे, शिक्षण संस्थाओं में जब विनोबा जी के विचार और ये चीजें नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक सारे उत्सव बेईमानी हैं। तब तक सारी शिक्षण संस्थाओं का ये माना जाएगा, मैं मानती हूं कि वो निष्क्रिय हैं। ये सोचते हुए आचार्य कुल का दायित्व मिलने पर मैंने कई विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच शिक्षण आचार्य कुल का एक केंद्र खोला और वहां वो विनोबा जी से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, पुस्तिकाएं हैं, उसको वो पढ़ेंगे और उनके साहित्य में समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन हो और जो इस तरह के विषय हैं, स्त्री अध्ययन केंद्र वगैरह हैं, वहां वो
विनोबा जी के ने जो विचार दर्शन का जो आलोक दिया है, उस प्रकाश में वो अपने समाज को देखें और समाज को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इस दिशा में वो गंभीरता से विचार करें। इसके अलावा कई वेब कॉन्फ्रेंसेस, अब तो ये सुविधा है, वेब कॉन्फ्रेंसेस मैंने करवाई विभिन्न विद्वानों के बीच में, जिसमें हर कॉन्फ्रेंस में 20-25 शोधार्थियों ने भाग लिया, और उन शोधार्थियों के द्वारा विनोबा जी के जीवन से संबंधित सवालों के जवाब दिए गए और उन्होंने प्रमाण पत्र वगैरह उनको वितरित किए गए। इस तरह से शिक्षण संस्थाओं के बीच में वेब कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा और शिक्षण संस्था आचार्य कुल के यूनिट खोलने के द्वारा माध्यम से, क्योंकि अगर विनोबा जी के जीवन से कोई जुड़ता है तो विनोबा जी का जीवन जहां जहां जुड़ा हुआ था और जिन जिन मनीषियों से जुड़ा हुआ था, उन सबसे जुड़ जाएगा। तो ये अगर अपने अपने क्षेत्र में जो जितने भी महापुरुषों के नाम से बने हुए संगठन इस समय चल रहे हैं, श्री अरविंद के नाम से जो संगठन है, श्री अरविंद के द्वारा इस समय 150वीं जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में उनका व्यक्तित्व, श्री अरविंद का व्यक्तित्व, जिस तरह से उन्होंने जीवन के, वो राजनीति में रहे, जेल भी गए, चिंतक विचारक सब, तो जो जो पूरा एक बनता है अपने पराधीनता से स्वाधीनता तक की इस स्वराज की यात्रा में, हमारे स्वराज की जो संस्कृति है उसको बनाने में जिन मनीषियों का योगदान है, उनसे, उन मनीषियों से ये बनी हुई संस्थाओं का मुझे लगता है कि ये दायित्व है कि, और ये होना चाहिए कि वो, और वो कर भी रहे हैं, कि वो शिक्षण संस्थाओं को, विद्यालयों विश्वविद्यालयों को जोड़ें, छात्र छात्राओं को जोड़ें, जिससे कि इन महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए जो घटनाक्रम हैं, वो जब विद्यार्थी थे तो क्या करते थे, उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में विजय कैसे पाई, ये सारी झांकियां आज की युवा पीढ़ी को मिले और शिक्षकों को मिले, तो मुझे लगता है कि जिन रोगों से संक्रमित हैं हम सब, हिंसा के, आतंक के, भोगवाद के, उन रोगों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ देवेंद्र जी को कि उन्होंने मुझे इस 11 सितंबर के इस महत्वपूर्ण दिवस पर विनोबा जी के माध्यम से उन विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जो विश्व के लिए बहुत जरूरी है और मेरी अपनी व्याकुलता और बेचैनी का कारण भी है कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर निकाल सकते हैं, जबकि हम सबके पास गुरु के रूप में, मार्गनिर्देशक के रूप में संत बाबा विनोबा जी हैं और महात्मा गांधी हैं, श्री अरविंद हैं और बहुत से साहित्यकार हैं, लेखक हैं। जीवन का मार्ग कैसा हो, सर्वोत्कृष्ट जीवन मनुष्य के रूप में क्या हो सकता है, इसके लिए हमें किसी दूसरे देश को देखने की जरूरत नहीं। एक उत्कृष्ट मानव, वैश्विक मानव, विश्व की सहायता करने वाला मनुष्य, विश्व का अपना कैसे बना जा सकता है, इस दिशा में ज्ञान अर्जित करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए हमें किसी दूसरे देश की शिक्षा पद्धति को न जानना जरूरी है, न उस शिक्षा पद्धति में जाना जरूरी है। हमारे देश के शिक्षक बाबा विनोबा शिक्षकों के लिए शिक्षक हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से
हम इन विभूतियों की गुणवत्ता को आत्मसात करके मनुष्य के रूप में जो हमें जन्म मिला है उसे हम ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई क्षमताओं का मनुष्यता के पक्ष में उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसी चिंतन के साथ अपने जीवन को उसी दिशा में लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगी और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। जय जगत, जय हिंद, धन्यवाद।